वह तुम्हारी क्या लगती है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं वह तुम्हारी क्या लगती है, वह तुम्हारा क्या लगता है, वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं। और अक्सर जवाब में आपको कहना होता है कि वह मेरा भाई लगता है, वह मेरे अंकल लगते हैं, वह मेरी बहन लगती है, वह मेरी बीवी लगती है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि वह तुम्हारी क्या लगती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Who is she in your relationship? यानी वह तुम्हारी क्या लगती है। अगर आपको कहना हो कि वह तुम्हारा क्या लगता है, तो आप कहेंगे Who is he in your relationship? यानी वह तुम्हारा क्या लगता है। अगर आपको कहना हो कि वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, तो आप कहेंगे Who are they in your relationship? अगर आपको कहना हो कि वह आदमी तुम्हारा क्या लगता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Who is that man in your relationship? वह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? Who is that girl in your relationship? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पहला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि कोई इंसान आपको क्या लगता है, तो आप कहेंगे Who is she? Who is he? Who are they? Who is that man? Who is that girl? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई बोलेंगे, उसके बाद आप कहेंगे इन योर रिलेशनशिप। आइए फ्रेंड देखें कि अगर आपको जवाब देना हो तो आप कैसे देंगे। अगर आपको कहना हो कि वह मेरे पापा लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज माई डैड इन द रिलेशनशिप। अगर आपको कहना हो कि वह मेरी बहन लगती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज माई सिस्टर इन द रिलेशनशिप। यानी रिश्ते में वह मेरी बहन लगती है, वह मेरा भाई लगता है। ही इज माई ब्रदर इन द रिलेशनशिप। यानी रिश्ते में वह मेरा भाई लगता है। अगर आपको कहना हो कि वह मेरे चाचा लगते हैं, यानी रिश्ते में वह मेरे चाचा लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज माई अंकल इन द रिलेशनशिप। यानी रिश्ते में वह मेरे चाचा लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे साइक्रो स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ एक कंप्लीट ग्रामर के साथ आपको स्पोकन इंग्लिश के साइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट करने में काफी मददगार होंगी। और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।